तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो आज की इस क्लास को हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, पिछली वाली क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस किया था। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम जो है फ्रैक्शन के बारे में और आगे जानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारा मटेरियल है डिस्कस करने को। यहां पर हम फ्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ऑलमोस्ट जो आप लोगों से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीटली लेक्चर को देखिएगा और साथ में अपने नोट्स को कंप्लीट करते चलिएगा। क्लियर है? तो यदि हम डियर फ्रेंड फ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रैक्शन के बारे में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को क्लियर किया था पिछले वाले लेक्चर में, एंड लिमिटिंग फ्रैक्शन को क्लियर किया था कि भाई सीमांत घर्षण क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से सारा क्लियर किया। देन हमने लॉ ऑफ फ्रैक्शन को क्लियर किया। क्लियर है ना? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं। यदि डियर फ्रेंड हम आगे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर है ना? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आखिर आप लोगों का घर्षण गुणांक क्या होता है। देखिए डियर फ्रेंड, घर्षण गुणांक की यदि हम बात करें तो यहां पर इट इज अ रेशियो बिटवीन द फ्रैक्शनल फोर्स टू द नॉमिनल रिएक्शन। यानी कि आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि भाई कोई हमारा एक धरातल है और उस पर हमारा कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, एंड इस ब्लॉक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसका वेट जो है mg जिसको हम बोले या W बोले वो नीचे की ओर कार्य करेगा, और जस्ट धरातल के अपोजिट हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन काम करता है जिसको हम R रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, एंड यहाँ पर ये हमारा अप्लाइड पुलिंग फोर्स है एंड जस्ट इसके अपोजिट हमारा क्या फ्रैक्शनल फोर्स लगता है। तो इन्होंने क्या बोला है, इट इज अ रेशियो बिटवीन द फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स यानी कि F एंड यहां पर टू नॉमिनल रिएक्शन। नॉमिनल रिएक्शन हमारा कौन सा है डियर फ्रेंड, आर, जो वेट के अगेंस्ट हमारा कार्य कर रहा है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो उसके बारे में इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं भाई, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसके सिंबल की बात करें तो इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या क्लियर हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन यानी कि म्यू इक्वल टू हमारा डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहां पर हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ना? अब मैंने यहां पर आप लोगों को क्या क्लियर किया था कि भाई देखिए जरूरी नहीं है यहां पर जो हमारा कोई भी रेक्टेंगल ब्लॉक है लाइक, तो ये ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट है, और डियर फ्रेंड वो वेट क्या करेगा, धरातल को यानी कि जो फ्लोर है, जो सरफेस है, वो अपने वेट के इक्वल के नीचे की ओर दबाव डालेगा। तो यहां पर ये हो जाता है हमारा क्या, नीचे वेट हो जाता है W, और जस्ट इसके अपोजिट इक्वल धरातल भी अपोजिट फोर्स लगाता है तो वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन और W देखा जाए तो इक्वल होता है। तो यहां पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, म्यू की बात करें, तो हम F बटा क्या बोल सकते हैं, F यहां पर फ्रैक्शनल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन और W। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहां पर आप देख सकते हो इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग फोर्स, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये किसकी बात कर रहा है। यहां पर जो हमारा फ्रैक्शनल फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। यहां पर डियर फ्रेंड जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स है। एक्चुअल में ये किस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है कि हमारी जो बॉडी है, कोई भी हमारा जो ब्लॉक है वो एक्चुअल में मूव करने वाला है, लेकिन वो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वो संतुलन अवस्था में है। जैसा कि मैंने बताया कि दो फोर्स है हमारे, एक पुलिंग फोर्स है, दूसरा हमारा फ्रैक्शनल फोर्स है। तो फ्रैक्शनल फोर्स यदि ज्यादा होगा पुलिंग फोर्स तेज, तो हमारी बॉडी क्या मूव नहीं करेगी। जब दोनों जी इक्वल हो जाते हैं उसको लिमिटिंग ऑफ फ्रैक्शन, सीमांत घर्षण कहते हैं। कि भाई फ्रैक्शनल फोर्स इक्वल टू पुलिंग फोर्स, बिकॉज रीजन क्या है, जब हमारी बॉडी जो है, कोई भी ब्लॉक जो है वो मूव करने वाला होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। लाइक मैं, ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप देख रहे हो, मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूं, पुलिंग फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वो क्यों नहीं खींच पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शनल फोर्स है। जैसे ही मैंने ज्यादा फोर्स लगाया फ्रैक्शनल फोर्स से, मेरा मोबाइल मूव कर गया, तो उसी की बात कर रहा है। और जब ये मोबाइल मूव करने वाला था, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स मैं लगा रहा हूं, जो किसके फ्रैक्शनल फोर्स के इक्वल है, उसको लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। तो सीमांत घर्षण के बारे में मैंने क्लियर किया था। सीमांत घर्षण क्या है, जब दोनों फोर्स यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स इक्वल टू
पुलिंग फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं वो हमारा सीमांत घर्षण कहलाता है। उसमें हमारा क्या है जो पुलिंग फोर्स वो एक पीक पर होता है जहां से हमारी बॉडी मूव करने वाली होती है। क्लियर है? चलिए तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स या फिर हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल फोर्स इक्वल टू नॉमिनल रिएक्शन या फिर बोल सकते हैं वेट। बिकॉज रीजन क्या है, यहां पर हमारा नॉमिनल रिएक्शन और वेट दोनों इक्वल है क्योंकि वेट क्या कर रहा है धरातल को फ्लोर को नीचे की ओर दाब रहा है और फ्लोर का जो रिएक्शन है वो उस बॉडी के जस्ट अपोजिट यानी कि फ्लोर के परपेंडिकुलर लग रहा है, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी वेट के इक्वल लगता है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि हम आगे की बात करें तो आगे तो बात करने वाले एंगल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि घर्षण का कोण क्या होता है। यहां से दो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यदि इसके बारे में बात करें, एक है एंगल ऑफ फ्रैक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। दोनों को क्लियर करेंगे, पेशेंस रख के समझने का कोशिश करिएगा। तो यहां पर आप एंगल ऑफ फ्रैक्शन की यदि बात करें तो फिगर 5 आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जो फिगर 5 देख पा रहे होगे इसको देखिएगा, यहां पर एक्चुअल में क्या है एंगल ऑफ फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर एक हमारा प्लेन है जिसके ऊपर एक रेक्टेंगल ब्लॉक रखा हुआ है, चार फोर्सेस काम कर रहे हैं यहां पर, एक पी हमारा जो पुलिंग अप्लाइड फोर्स है, नेक्स्ट हमारा डब्लू जो नीचे की ओर उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और उसके अपोजिट हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर काम कर रहा है एंड जहां से ये हमारा फ्रैक्शनल फोर्स है। क्लियर है? अब यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमारा पुलिंग फोर्स उस कंडीशन में होता है जब बूढ़ी बॉडी जो है जस्ट हमारी मूव करने वाली होती है, लाइक लिमिटिंग फ्रैक्शन जिसको मैंने बोला, जहां पर इक्वल हो जाते हैं पुलिंग फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहां पर एक एस परिणामी बल है जो फ्रैक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में काम करता है। परिणामी बल आप लोगों को पता है, एस इक्वल टू परिणामी बल की बात करें तो एफ यहां पर एफ प्लस आर हो जाएगा, लेकिन ये एफ प्लस आर किस कंडीशन में होता है जब वो एक ही सीध में काम करते हैं, लेकिन यहां पर वो कैसे एंगल में काम कर रहे हैं तो यहां पर s इक्वल टू रूट हमारा हो जाएगा f स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन हमको ये परिणामी बल की ओर नहीं जाना है अभी हम यहां पर देखते हैं। तो एक्चुअल में यहां पर ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स यहां पर s काम कर रहा है दोनों के बीच में, तो जो हमारा एंगल ऑफ फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है परिणामी बल एवं नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला कोण जो है वो हमारा कहलाता है डियर फ्रेंड एंगल ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर है ना? तो यहां से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई एस यहां पर क्या है, ये परिणामी बल है नॉर्मल रिएक्शन का, फ्रैक्शनल फोर्स का जो परिणामी बल है वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काम करेगा, अकॉर्डिंग टू दोनों फोर्स हमारे कितने हैं तो इसके बीच में हमारा एक एस फोर्स काम कर रहा है जो परिणामी बल है दोनों का, नॉर्मल रिएक्शन का एंड हमारे फ्रैक्शनल फोर्स का। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन और उस परिणामी बल के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है डियर फ्रेंड एंगल ऑफ फ्रैक्शन होता है। इसको हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ बटा डब्लू। अब यहां पर एफ बटा डब्लू बोले या जरूरी नहीं है डियर फ्रेंड कि एफ बटा हम क्या बोल सकते हैं यहां पर R बोल सकते हैं बिकॉज W इक्वल टू R है। क्लियर है? चाहे R बोले चाहे W बोले बात बराबर है। और हमने क्या देखा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू इक्वल टू क्या था फ्रैक्शनल फोर्स अपॉन वेट या फ्रैक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर क्या हम F बटा R को म्यू नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहां पर टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया म्यू। यदि हम फ्रैक्शन कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। क्लियर है ना? ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई तो यहां पर एंगल ऑफ फ्रैक्शन हमारा क्या निकल के आया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। क्लियर है ना? चलिए तो ये एंगल ऑफ फ्रैक्शन होता है। अब हम थोड़ा सा एंगल ऑफ रिपोज की बात कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज की डियर फ्रेंड यदि हम बात करें तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर समझिएगा एंगल ऑफ रिपोज को, अ बॉडी प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी हमारा रेक्टेंगल ब्लॉक था वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, प्लेन सरफेस पर था, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है एक इंक्लाइंड प्लेन होता है। जैसे कि यहां पर आप ये प्लेन देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमारी बॉडी रखी हुई है। तो ये क्या बोल रहे हैं जब वो रेस्ट
रेस्ट कंडीशन में होती है, जब वो स्थिर कंडीशन में होती है, वहां पर जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो फ्रैक्शनल फोर्स एंगल ऑफ फ्रैक्शन के बराबर होता है, घर्षण कोण के बराबर होता है। लेकिन जब वो बॉडी नीचे की ओर स्लाइडिंग करती है, स्लाइडिंग डाउन पोजिशन, उस कंडीशन में उसको बोला जाता है, दिस इज नाउ एज एंगल ऑफ रिपोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछता है आप लोगों से, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमारी बॉडी डाउनवर्ड पोजीशन में स्लाइड करेगी, एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन यहां पर एंगल ऑफ रिपोज भी निकालेंगे आप तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू ही निकल के आता है, बट दोनों आप लोगों को सेम लगेंगे, लेकिन यहां पर डेफिनेशन में बहुत अंतर हो जाता है। बिकॉज यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डियर फ्रेंड हम इंक्लाइंड प्लेन का यूज कर रहे हैं, झुके हुए धरातल का यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम क्या कर रहे थे, एक प्लेन जो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन था उसका यूज कर रहे थे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। तो ये आशा करता हूं ये आप लोगों को एंगल ऑफ रिपोज एवं एंगल ऑफ फ्रैक्शन दोनों क्लियर हो गए होंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ये आप लोगों को एटलीस्ट, ज्यादा नहीं तो आप लोगों को फॉर्मूला टोटल तरीके से क्लियर होना चाहिए भाई। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा जानने की कोशिश। अब देखिए फ्रेंड, एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के आती है, वो हम लोगों के लिए है मोशन ऑफ प्लेन लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि एक्चुअल में है क्या कि भाई जब हमारा कोई भी बॉडी किसी प्लेन हॉरिजॉन्टल सतह पर मूव करती है, तो वहां पर एक्चुअल में फ्रैक्शन के अगेंस्ट हम लोगों ने कितना कार्य किया, कितना वर्क किया, उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाता है जब वो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता है। चाहे आप लोगों का कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए चल रहे हैं। इसरो में तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आते ही हैं, बाकी जो भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं उसमें भी जनरली ये फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के डालता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लाइक ये हमारा एक प्लेन, एक प्लेन सरफेस है, एंड यहाँ पर हम लोगों का क्या एक बॉडी थी। लाइक ये हमारा एक रेक्टेंगल ब्लॉक था जिसको हमने खिसका कर इस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर दिया, समझिएगा। अब सारे यहाँ पर मैं फोर्सेस की थोड़ी सी बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को दो फोर्सेस आप लोगों को क्लियर किया कि भाई अप्लाइड फोर्स, पुलिंग फोर्स ये है और ये हमारा फ्रैक्शनल फोर्स है। लाइक यहाँ पर बात करें तो ये हमारा डब्ल्यू एम जी एंड ये हमारा क्या नॉर्मल रिएक्शन है भाई, क्लियर है। अब यहाँ पर भी वही सेम फोर्सेस काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, लाइक ये हमारा पुलिंग फोर्स है और ये हमारा फ्रैक्शनल फोर्स है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमारा W है। तो इन दोनों के बीच में ये एक डिस्टेंस है, इसको हम क्या S से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये फिगर के माध्यम से आप क्या समझ पा रहे हो, फिगर के माध्यम से माय डियर फ्रेंड आप क्या समझ पा रहे हो, यहां पर समझ ये पा रहे हो कि यहां पर कोई एक बॉडी थी, कोई एक ब्लॉक था जिस पर हमने यहां पर पुलिंग फोर्स लगाया और उस पुलिंग फोर्स की वजह से बॉडी अब नॉर्मल पोजीशन में नहीं रही, बॉडी अब स्लाइड करना स्टार्ट कर दी। और जहां पर आप लोगों को पता है हम कोई भी बॉडी में धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं और वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ कार्य होता है, क्लियर है ना। क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यदि हमारी डिस्टेंस जीरो होगी, लाइक मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरा मोबाइल है और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और मैंने कितना भी फोर्स लगा लिया लेकिन ये मोबाइल मूव नहीं किया, तो क्या मैंने कोई कार्य किया। जैसे कि मैं दीवार में धक्का दे रहा हूं, दीवार में धक्का देते टाइम दीवार मूव नहीं की, तो मैंने कुछ कार्य किया। वहां पर फोर्स मैं कितना भी लगा लूं लेकिन फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्टेंस से हो रहा है, बट वो कुछ दूरी चली ही नहीं, तो डिस्टेंस जीरो है, तो वहां पर एटलीस्ट हमारा वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहां पर बॉडी हमारी मूव कर गई, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों से एक्चुअल में क्या पूछा जाता है कि फ्रैक्शन के अगेंस्ट, यानी कि फ्रैक्शन के विरुद्ध आप लोगों ने कितना काम किया। जब हमने इतना फोर्स लगाया, इतनी डिस्टेंस तय की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो उसी से रिलेटेड पहले मैं फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन की ओर भी जाएंगे। तो यहां पर समझिएगा कि क्या हुआ कि भाई एक बॉडी थी, उस बॉडी पर पुलिंग फोर्स लगाया और वो बॉडी एस डिस्टेंस की दूरी तय करके एक दूसरी पोजिशन में आ जाती है। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है, ये जो बॉडी है वहां पर इक्विलिब्रियम काम नहीं, सॉरी यहां पर क्या है जो आप लोगों का त्वरण काम नहीं करेगा, एक्सिलरेशन काम नहीं करेगा। जो बॉडी है वो समान गति से आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फोर्स को आप इंक्रीज करते जा रहे हो। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मान के चलिए जैसा कि फिगर के अनुसार आप देख पा रहे हो कि एक कोई भी भार है, वो भार वाली वस्तु को हमने फोर्स लगाया और वो समान गति से एस डिस्टेंस पर चली जाती है। तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन के विरुद्ध किया गया कार्य हम लोगों का क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वाई फोर्स इंटू एस, यानी कि एफ इंटू एस। एफ हमारा क्या है, फोर्स है, और एस हमारा क्या है डियर फ्रेंड, हमारी डिस्टेंस है जो जो है तय की गई थी। एस हमारा डियर फ्रेंड क्या है, जो डिस्टेंस हम लोगों ने तय की थी। अब यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डब्ल्यू बराबर, यदि हम एफ की बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो म्यू इक्वल टू एफ बटा आर हम लोगों ने पढ़ा था डियर फ्रेंड। तो f बराबर यदि हम इसको म्यू आर लिखें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, बिकॉज f इक्वल टू म्यू आर होता है, क्योंकि म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं भाई, यहां पर म्यू आर इंटू एस लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने ऊपर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्लियर कर दिया। अब यदि हम यहां से बात करें तो ये आप देख सकते हो W बराबर यहां से आप लोगों का क्या निकल के आ गया। अब यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, वो ये है कि W बराबर म्यू, यदि आप लोगों को R दिया है तो R ले लीजिए, यदि यहां पर R की जगह पर मैं mg लिखूं, mg या फिर वेट लिखूं, जो हमारा वेट दिया गया है, इंटू एस लिखूं, किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं ऑल चीज आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं कि भाई जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि W है वो R के बराबर है यहां पर। लेकिन अब यहां पर फोर्स और ये बराबर नहीं रह गए क्योंकि बॉडी हमारी मोशन कर चुकी है। तो एटलीस्ट यहां पर प्लेन मोशन ऑफ द प्लेन लेवल में मुझे आप लोगों को यह समझाने की जरूरत थी कि वर्क इक्वल टू हम लोगों का क्या होगा, एफ इंटू एस होगा। और एफ को हम, इस एफ को यदि हम लोगों को फोर्स नहीं दिया है वहां पर, चाहे डब्ल्यू दिया है चाहे आर दिया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि F इक्वल टू म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं हम, इंटू एस लिख सकते हैं, या फिर म्यू आर इंटू एस लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट यदि डियर फ्रेंड बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है यहां पर एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्या एडवांटेज है हमारे घर्षण के, क्या डिसएडवांटेज है हमारे घर्षण के, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन की मैं बात करूं, हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग, यानी कि जो हम वॉकिंग करते हैं तो विदाउट स्लीपिंग, हम वहां स्लिप नहीं होते, आसानी से वॉकिंग कर सकते हैं पार्क में। एंड यहां पर जो व्हीकल्स हैं, जनरल दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे फ्रैक्शन के, जो हमारी गाड़ियां हैं उनके टायर एवं रोड के बीच में फ्रैक्शन के कारण ही तो वो रन कर पा रही हैं, नहीं कैसे कर पाएंगी। एंड जो भी मूवमेंट ऑफ व्हीकल है, तो काफ़ी कॉमन यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारे क्या एडवांटेज होते हैं, लाइक बोल सकते हैं पावर ट्रांसमिशन यूजिंग गियर ड्राइव या फिर बेल्ट ड्राइव या गियर ड्राइव में जो पावर ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं वो किसके माध्यम से पॉसिबल है भाई, वो भी तो फ्रैक्शन के माध्यम से पॉसिबल है। नेक्स्ट यदि बात करें, यूजिंग फ्रैक्शन वी कैन शार्प एनी ऑब्जेक्ट एंड आल्सो टू होल्ड इट, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उनको होल्ड कर सकते हैं। एंड जो हमारे नेल्स यानी कि जो कील होती हैं, जो हमारे स्क्रू होते हैं जिनको हम दीवार में फिट करना हो या किसी लकड़ी में कारपेंटर यूज करके कोई आकार देता है, तो वो किसके कारण, नेल और जो हमारे स्क्रू वगैरह फिट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन के कारण फिट होते हैं। एंड जो हमारी हीट प्रोड्यूस्ड होती है, जो हमारी आग वगैरह लगती है, वो भी हमारे फ्रैक्शन के कारण होती है। डिसएडवांटेज भी है भाई फ्रैक्शन के कुछ, जब जिसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ ना कुछ हानियां होती हैं। तो क्या हानि है हमारी भाई फ्रैक्शन की, यहाँ पर इट केस वियर एंड टीयर ऑफ द मशीन पार्ट, इससे क्या होते हैं मशीन के पार्ट जो हमें टूट जाते हैं या घिस जाते हैं, ये केवल इसी का रीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर
जो हीट के कारण जो है यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ मशीन पार्ट मेल्ट करने लगते हैं, एंड प्रोडक्शन में जो ज़्यादातर हीट उत्पन्न होती है, कटिंग टूल ब्लंट हो जाना, एंड यहाँ पर जो इफ़िशियंसी है मशीन की वो रिड्यूस हो जाती है हीट के कारण, एंड यहाँ पर जो भी हमारा हीट यहाँ पर मशीनिंग ऑपरेशन में जनरेट होगी, कूलेंट की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो ये सब डिसएडवांटेज भी हमारे फ्रैक्शन के काफ़ी कॉमन है, इनको इतना सीरियस आप सभी को पता है, दैनिक जीवन में आप लोगों के यूज होते हैं, चाहे वह लाभ हो हानियाँ हो, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो फ्रैक्शन क्या है, क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई आखिर इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करें, कि फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि फ्रैक्शन को हम लोगों को कम करना है तो हम कम कैसे करें। तो कम करने की बात करें तो आप लोगों को पता है हम लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस जिसके अंतर्गत आता है, तो वो लुब्रिकेंट का यूज करके हम मशीनिंग पार्ट के बीच में लगा देते हैं, जिससे हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। हम किसी सरफेस पर पॉलिश कर देंगे, लाइक ये मोबाइल है इसके ऊपर कुछ चिकनी है ये, तो यहाँ पर कम फ्रैक्शन है, यदि ये पुराना होता जाएगा स्क्रेच आ गए तो फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो किसी भी पार्ट पर पॉलिशिंग करके उसकी सरफेस को स्मूथ बनाकर हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें बाई यूजिंग बॉल बियरिंग रोलर बियरिंग, जहाँ पर हमें किसी सॉफ्ट को रोटेट करना है मूव करना है, तो वहाँ पर हम बॉल बियरिंग का यूज करते हैं या रोलर बियरिंग का यूज करते हैं, बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया कम करते हैं, और जहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा वहां पर हमारा फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है ना। क्योंकि बॉल बियरिंग में जो कॉन्टैक्ट होता है वो एक पॉइंट का कॉन्टैक्ट होता है, यदि रोलर बियरिंग के कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो एक लाइन का कॉन्टैक्ट होता है। तो ये चीज आप लोगों को समझना होगा। तो यहां पर इस तरीके से हम फ्रैक्शन को रिड्यूस्ड कर सकते हैं। अब हम थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि भाई आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। लाइक यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इन्होंने क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ 40 किलोग्राम इज रिक्वायर्ड टू पुल अ वेट ऑफ 400 किलोग्राम, यानी कि एक 400 किलोग्राम वेट वाला कोई ब्लॉग है, कोई वस्तु है, उसको पुल करने के लिए 40 किलोग्राम के वेट की हम लोगों को जरूरत है, 40 किलोग्राम फोर्स की हम लोगों को जरूरत है, हॉरिजेंटल प्लेन पर मूव करना है। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पर यदि F की बात करें तो F इक्वल टू हम लोगों को कितना दिया गया, 40 किलोग्राम दिया गया। यदि W की बात करें तो हम लोगों को कितना दिया गया, 400 किलोग्राम दिया गया। तो यहाँ पर भाई हम लोगों ने क्या देखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू F बटा W होता है। तो यहाँ पर F हमारा क्या है भाई, 40 किलोग्राम, एंड W हमारा क्या है, 400 किलोग्राम। तो यहां पर हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू इक्वल टू क्या आ गया, 0.1 हमारा यहां से माय डियर फ्रेंड निकल के आ गया, क्लियर है ना। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। यदि हम सेकंड एग्जांपल की डियर फ्रेंड बात करें, सेकंड एग्जांपल हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, जो आप सेकंड एग्जांपल डियर फ्रेंड देख रहे हो, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा सेकंड एग्जांपल में, का फोर्स फॉर 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 35 किलोग्राम ऑन अ फ्लैट सरफेस हॉरिजेंटली एट, यहां पर देख सकते हो वॉलिसिटी की बात की गई है। तो यहां पर जो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं, वहां पर आप लोगों को डियर फ्रेंड क्या पता है कि वहां पर यूनिट लेस होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, बिकॉज रेशो होता है वहां पर, यानी कि चाहे हम वेट एंड फोर्स का रेशो लें या नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स का रेशो लें, तो वहां पर रेशो होने के कारण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब यहां पर इन्होंने यहां वॉलिसिटी को एक्चुअल में अप्लाई किया है न्यूटन में, लेकिन ये हमारा किलोग्राम में, तो किलोग्राम को हम न्यूटन में जी, यानी कि जो ग्रेविटी ऑफ फोर्स आप लोगों का लगता है वो जी इक्वल टू वैसे 9.81 होता है आप लोगों का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर हम लोगों का जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली हम 10 ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, बाकी नॉर्मली 10 ही लेते हैं एग्जाम्स में भी। चलिए देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, तो म्यू इक्वल टू हम लोगों का क्या हो गया अभी, 30/350। तो यहां पर मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे ये भी न्यूटन में और ये भी न्यूटन में, जिससे न्यूटन न्यूटन हम लोगों का कैंसल हो जाए। तो यहां पर 3/35, इसका वैल्यू 0.089 लगभग निकल के आएगा, तो यहां पर 0.09 आप लोगों का
लगभग अप्रोक्सीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों से निकलवाता है। तो यहाँ से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की डियर फ्रेंड बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, अ सॉलिड वेट 20 किलोग्राम, एक कोई सॉलिड ब्लॉक है या कुछ भी हो सकता है, उसका वेट 20 किलोग्राम है, दिस इज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस, हाउ मच फोर्स डज इट रिक्वायर टू कम इन मोशन वेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 0.24। यहाँ पर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दे दिया गया है, वेट दे दिया गया है, आप लोगों को फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इंटू वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 0.24 एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पर अपना 4.8 kg निकल गया। तो डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया है, अ टैंकर विथ लोडेड वेट ऑफ, यहाँ पर वेट देख सकते 14,500 किलोग्राम का वेट है, उसको लोड करके वो रनिंग कर रहा है, रनिंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर, एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन टायर्स एंड रोड सरफेस, उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है 0.28, फाइंड आउट इट्स फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू वेट, यानी कि यहाँ पर म्यू हम लोगों का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, वेट हम लोगों का क्या है, ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम इजीली यहाँ पर आप लोग फोर्स निकाल सकते हो। चलिए तो इनमें आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि इस टाइप का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली जो है उसको बता पाओगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर सकते हो, अ बॉडी, यहाँ पर वेट 100 kg दिया गया है, रेस्टिंग ऑन अ टेबल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, फोर्स आप लोगों का ये दिया गया है। तो इजीली आप डियर फ्रेंड इसको निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू 3/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, 0.3 आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की। क्लियर है, एनी डाउट किसी को, यदि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन से तो आप इजीली कर पाओगे, आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो फ्रैक्शन से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रैक्शन के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को क्लियर किए, तो वहां से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर देख सकते हो, रिंग्स इन साइकलर्स या फिर क्रैंकशाफ्ट बियरिंग या फिर ब्रेक शूज लाइनिंग या फिर व्हील हॉल बियरिंग, तो एक्चुअल में हमारा क्या फ्रैक्शन, यूजफुल फ्रैक्शन कौन सा है, ब्रेक शूज लाइनिंग, जिससे कि हम ब्रेक लगा सकें, गाड़ी को रोक सकें, वो हमारे यूजफुल फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच इज इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड इफ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन रोड, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा व्हील जो होती है वो क्या है, रोड पर जो है उनके बीच में आपस में व्हील एवं रोड के बीच में क्या फ्रैक्शन होगा, जब ही वो क्या आगे गति कर पाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रैक्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, विच डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट, यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो फ्रैक्शन है वो कैसे काम करता है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, इंक्लाइड या फिर फॉरवर्ड। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि भाई यदि बॉडी को हम इधर की ओर पुल कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, जस्ट अपोजिट काम करेगा, यानी कि बॉडी के मोशन के जस्ट अपोजिट हमारा फ्रैक्शनल फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों का अपोजिट एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है, माय डियर फ्रेंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रैक्शन इफ एफ इज द फ्रैक्शनल फोर्स, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड क्यू इज द एंगल ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई, 10q इक्वल टू एफ इनटू आर, यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हो क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ जाएगा, एफ बटा आर। मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया कि भाई एंगल क्या होता है हमारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यदि अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आप लोगों से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, एफ बटा आर बोल सकते हैं, एफ बटा डब्ल्यू बोल सकते हैं हम लोग। तो बी ऑप्शन पर आप लोगों को मिल जाता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट यदि डियर फ्रेंड हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको तो आप इजीली कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने क्लियर किया था, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है आप लोगों को, यहाँ पर एक्चुअल में आप लोगों से बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर देखिए एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को बोला जा रहा है अ लोडेड ट्रक वेट 2400 किलोग्राम एंड इट कैन बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 3 kg एंड यहाँ पर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, तो 3/2400 आप लोग लगा के इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आप लोगों को पता है, यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से कैलकुलेट द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द फिगर्स हो, यहाँ पर आप लोगों को फिगर में सारी वैल्यू दी गई है, क्या क्या दिया गया है आप लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को दिया गया है 0.15, वेट आप लोगों को दिया गया है, फोर्स आप लोगों को निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, देन किलोग्राम में आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0.15 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोगों का वैल्यू निकल के आएगी 30 kg, क्या निकल के आएगी वैल्यू 30 kg, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा गया है, जनरली न्यूमेरिकल आने के आप लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पर बात करें तो क्या बोला गया है, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को फाइंड आउट करना है बिटवीन ब्रास एंड स्टील व्हेन अ ब्रास स्लाइडर वाज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल स्टील सरफेस अंटिल इट इज जस्ट मूविंग इट ब्रास स्लाइड्स 3 kg एंड ब्रास स्लाइड, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 kgf एंड फोर्स यहाँ पर ये है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इजीली आप लोग निकाल सकते हो, तो क्या कैसे निकालोगे, 0.7/3 कर दोगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इजीली निकल आएगा, तो वैसे ही आप देख पा रहे हो शायद ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नेसेसरी टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि जो हमारी हीट जो बढ़ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, भाई कूलेंट का यूज करके कर लेंगे, विच इज यूजिंग फॉर रिड्यूस द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप लुब्रिकेंट का यूज करेंगे, यदि फ्रैक्शन को रिड्यूस करोगे लुब्रिकेंट का यूज करोगे, यदि हीट को रिड्यूस करना है तो कूलेंट का यूज करेंगे, ये तो आप लोगों के मैकेनिकल में आते ही रहते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भाई ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का, क्लियर है ना। बाकी आप लोगों को क्या लगता है फ्रैक्शन में क्या चीज हम लोगों का छूटा हुआ है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता, यदि आप ये सब चीजें जो मैंने कवर की हैं और आप लोगों ने 2 videos ओनली फ्रैक्शन की देख ली है, तो डेफिनेटली जो भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा एज इट इज करेक्ट आप कर पाओगे, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, क्लियर है।